हरे कृष्णा। श्रीमद्भागवतम स्कंध एक अध्याय दो के परपोट से अभी हम करेंगे और बाद में अध्याय तीन शुरू करेंगे। तो अध्याय दो का जो 27वां नंबर श्लोक है उसमें प्रभुपाद ने जो लिखा है बहुत महत्वपूर्ण है, जो सबका क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है क्वेश्चन सबका? कि हमको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है। तो प्रभुपाद कहते हैं, यदि सचमुच भगवान के धाम को वापस जाना है तो किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवद गीता में 7.20 और 23 में कहा गया है स्पष्ट रूप से कि जो भौतिक भोग के पीछे पागल रहते हैं वे अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास जाते हैं। तो ये प्रभुपाद के वचन हैं, आप 27वें नंबर का परपोट देख लीजिएगा। तो ये प्रश्न होता है भक्तों का कि हमको भगवत धाम जाना है, भगवत धाम जाना है, हम क्या करें क्या करें। तो प्रभुपाद कह रहे हैं, यदि सचमुच भगवत धाम जाना है तो किसी भी देवी देवता के पूजा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिन व्यक्ति को भोग विलास चाहिए वो देवताओं के पीछे पागल रहते हैं। और ये प्रभुपाद ने भगवद गीता के श्लोक का नंबर बताया है, ठीक है, कि कौन से नंबर में लिखा गया है, 7.20-23 में लिखा गया है। वही होगा श्लोक जो भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपरित चेतसाम, ये वाला श्लोक है। तो देवताओं की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं की पूजा कौन करते हैं? जिनको भोग विलास चाहिए। आगे लिखते हैं प्रभुपाद कि ऐसा लाभ अल्पज्ञों के लिए है, जो कम बुद्धि वाले होते हैं वो चाहते हैं हमको भौतिक लाभ मिले, भौतिक बहुत सारी चीजें मिले। क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं हमें कभी भी भौतिक भोग को, भोग की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। अर्थात भौतिक भोग करने की इच्छा होती है हमारी, परंतु उसको स्ट्रांग नहीं बनाना चाहिए, उसको प्रबल नहीं बनाना चाहिए, उसको बढ़ाना नहीं चाहिए। भौतिक भोग जीवन में उतना ही स्वीकार किया जाए जितना आवश्यक हो, उससे न कम न ज्यादा। अधिक भोग स्वीकारने का अर्थ है संसार के कष्टों में अधिकाधिक बंधना। तो प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जब हम ज्यादा भोग विलास को स्वीकार करते हैं तो हम इनविटेशन दे रहे हैं संसार के, दुनिया के हर देवी देवता, जो भी उस भोग विलास को करने में सहायता करते हैं, कि हम और ज्यादा बंध जाएं। जितना ज्यादा हम भौतिक भोग विलास को एंजॉय करेंगे उतना ज्यादा हम बंधेंगे। क्या चीज से बंधेंगे? सांसारिक कष्टों से बंधेंगे। सांसारिक कष्ट हमारे जीवन में ज्यादा आएंगे। ज्यादा भोग विलास ज्यादा कष्ट, कम भोग विलास कम कष्ट, बिल्कुल भी भोग विलास नहीं तो बिल्कुल भी कष्ट नहीं। मतलब कष्ट इज, प्रॉब्लम इज इक्वली प्रोपोर्शनल टू भौतिक भोग विलास, बराबर उसका चलता है। भौतिक भोग विलास मतलब कष्ट, जितना भौतिक भोग विलास उतना ज्यादा कष्ट। तो कहते हैं प्रभुपाद, विष्णु पूजा से इस जीवन में भी लाभ मिलता है और मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। तो जीवन का लक्ष्य जो होना चाहिए, जीवन के कष्टों को समाप्त करने का, उसको बढ़ाने का नहीं। जीवन में जो कष्ट हैं ऑलरेडी, उसको समाप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, उस कष्ट को बढ़ाना नहीं। तो कष्ट कब बढ़ते हैं? जब हम भौतिक भोग विलास ज़्यादा करते हैं और भौतिक भोग विलासों को करने के लिए, प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो यदि भगवत धाम जाना है तो किसी भी देवी देवता के पूजा की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ये प्रभुपाद के वचन है। दूसरी बात जो अभी मैं लेने वाली हूं वो है,
जीवात्माएं भगवान की भिन्नांश हैं, ठीक है ना। ये हमने आपको कल भी बताया था कि जीवात्माएं भिन्नांश हैं और विष्णु तत्व पूर्णांश है। तो जीवात्माएं भिन्नांश हैं और जो जीवात्माएं, ये है 31 नंबर, मैं आपको परपोट का नंबर बता रही हूँ, 31 नंबर श्लोक का परपोट है। जीवात्माएं भिन्नांश हैं और जो जीवात्माएं वैकुंठ जगत में रहने लायक नहीं हैं, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर भोग कर सकें। जी भरकर भोग कर सकें, यहाँ हम किस लिए आए हैं? भोग करने के लिए। और हम भगवत धाम में रहने के लायक नहीं थे, इसीलिए हमको यहाँ पे भेजा गया है। प्रभुपाद कहते हैं ना, ये जेल है, ये दुनिया जो है ये जेल है। जैसे बाहर तो सब लोग स्वतंत्र रहते हैं, अपने इच्छा से जीते हैं, पर जेल में बहुत नियम होते हैं। जैसे पुणे में एक अरोड़ा जेल है, वैसे ही आध्यात्मिक जगत स्वतंत्र तरीके से जीने की जगह है, भौतिक दुनिया एक जेल है। तो वहां गलती किए हैं तो यहाँ भेज दिया गया है। तो यहाँ इस जगत में उन जीवात्माओं को डाल दिया गया जो वैकुंठ में रहने के लायक नहीं थे। परमात्मा और जीवों के नित्य सखा के, परमात्मा तथा जीवों के नित्य सखा के रूप में भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं। ये बात है कि जो हम भोग विलास करते हैं, वो भी अपने आप हम भोग नहीं कर पाएंगे, वहाँ भी भगवान की ज़रूरत पड़ती है। भगवान के कृपा से ही हम भोग विलास कर पाते हैं। देखिए यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, ये जो बात मैंने बोला ये अलग जगह पे है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं भगवान, और साथ साथ में जीवों के सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं, यानी देखते रहते हैं जीव क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको देखते रहते हैं। जहाँ जीवात्माएं भौतिक भोग करती हैं, वहीं भगवान नहीं करते हैं। भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित नहीं होते हैं। तो शास्त्र में बताया गया है कि दो पक्षी हैं एक पेड़ पे बैठे हुए, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। जीवात्मा पेड़ पर लगे हुए जो फल हैं वो खा रहा है और परमात्मा उसे देख रहे हैं, साक्षी हैं, गवाह हैं। तो जितने भी हम कार्य करते हैं, भगवान उनको देख रहे हैं और रिकॉर्ड हो रहा है, सब कुछ हमारा कार्य रिकॉर्ड हो रहा है। फल खाने वाले पक्षी हम हैं और देखने वाले पक्षी भगवान हैं। तो जो फल खाने वाला पक्षी है, यानी कि जीवात्मा, वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है कि मैं कौन हूँ, मैं भगवान का दास हूँ, मेरा घर है गोलोक धाम में, मैं गलती करने के कारण यहाँ आ गया हूँ, ये सब कुछ वो भूल गया है, ठीक है। और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह से व्यस्त हो गया है। तो ये यहाँ पे हम अपने से कुछ ना कुछ कार्य करते रहते हैं गलत सही, और फिर उसका परिणाम भोगते रहते हैं। सकाम कर्म करते हैं, उसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर प्रकृति के नियमों के बंधन में बंधे हुए हैं। बद्धात्मा जीवात्मा प्रकृति के नियम में बंधा हुआ है, वशीभूत है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति का नियंत्रक है। तो यहाँ ये बताया गया इस जगह कि हम लोग भगवान के भिन्नांश हैं और भगवान हमारे साथ रहते हैं हमेशा 24 घंटे। हम भौतिक भोग विलास करने की कोशिश करते हैं, भगवान हमें सिर्फ देखते हैं। भगवान गाइड भी करते हैं, ये मत करो ये गलत है, पर फिर भी हम भूल चुके हैं अपने स्वरूप को और हम सकाम कर्म करते हैं, कर्म के बंधन में फंसते जाते हैं। तो इसको शास्त्र में बताया गया है कि एक पेड़ पर दो पक्षी। ये पेड़ क्या है? ये हमारा शरीर है, ये पेड़ है, इसके ऊपर दो पक्षी, हृदय में दो पक्षी बैठे हुए, परमात्मा और आत्मा। आत्मा हम खुद हैं, परमात्मा भगवान है। हम क्या कर रहे हैं? भोग विलास कर रहे हैं, सकाम कर्म कर रहे हैं,
कर्म का एक रिजल्ट बन रहा है, उसके बाद बंधन हो रहा है। और भगवान जो है हमें थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ चर्चा नहीं हो रही है ज़्यादा। और भगवान देखते हैं, भगवान नहीं बंधते हैं किसी चीज़ में, भगवान साक्षी के रूप में देखते हैं। तो ये है बद्ध जीवात्मा में और हमारे में अंतर। अब जो अगला हम बता रहे हैं आपको वो है 32वें नंबर श्लोक का परपोट। जिस प्रकार काष्ठ में अग्नि होती है, लकड़ी में अग्नि होती है, दूध में मक्खन होता है, उसी प्रकार परमात्मा हर चीज़ में होती है। परमात्मा रूप में भगवान की उपस्थिति होती है, पर कैसे मालूम पड़ेगा? जैसे दूध को मथने से मक्खन निकलता है, लकड़ी को जलाने से उसमें से अग्नि निकलती है, उसी प्रकार जब हम दिव्य विषयों का श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो भगवान का अनुभव होगा। भगवान तो हैं पर अनुभव नहीं हो रहा है। जैसे दूध में मक्खन है पर दिख नहीं रहा है, मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा। लकड़ी में अग्नि है पर दिख नहीं रही है, जलाएंगे तो दिखेगा। उसी प्रकार भगवान है हर जगह, परमात्मा भगवान कण कण में है, पर पता कैसे चलेगा? श्रवणम कीर्तनम के विधि के द्वारा, जिसका वर्णन उपनिषदों में, वेदांत में और वैदिक साहित्य में हुआ है। अब एक और तरीका बताया है कि कैसे पता चलेंगे भगवान। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अग्नि को जला, लकड़ी को हम किसी बाहर से कोई अग्नि लाते हैं और लकड़ी को जलाते हैं, तब लकड़ी के अंदर जो अग्नि है वो भी हमको दिखती है, जलने, पूरी लकड़ी जलने लग जाती है और अग्नि दिखाई देता है। तो पहले क्या किया गया, एक दूसरी लकड़ी में या किसी चीज में जिसमें अग्नि थी उससे उसको जलाया गया, सुलगाया गया, फिर जो लकड़ी है मोटी सी लट्ठा है या कुछ भी है उसमें आग लग गई। तो अपने आप तो आग लगती नहीं है, आग आग लगाना पड़ता है, जलाना पड़ता है। उसी प्रकार मनुष्य में, हम सब में, मनुष्य की दैवी चेतना अन्य दैवी अनुकंपा से ही प्रकाशित की जा सकती है। श्री श्रीमद पूज्य गुरु काष्ठ रूप जीवात्मा में के कर्ण कुहरों के द्वारा समुचित दिव्य संदेश प्रविष्ट कराकर आध्यात्मिक अग्नि को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो जैसे एक लकड़ी में अग्नि जल रही थी, उस जलती हुई लकड़ी को हम लाते हैं और दूसरे लकड़ी में आग लगा देते हैं, फिर दूसरी लकड़ी भी जलने लग जाती है। उसी प्रकार हम सब जीवात्मा सो रहे हैं अभी, आध्यात्मिक चेतना नहीं है, तो गुरु आएंगे और गुरु हमें हमारे आध्यात्मिक चेतना को जगाएंगे, तब हमारी आध्यात्मिक चेतना जगेगी। तो गुरु हो गए जलती हुई लकड़ी, हम हैं लकड़ी जो जल नहीं रहे, अंदर में है पर जल नहीं रहे, गुरु ने जला दिया और हम जलने लग गए। मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर भगवान थे, हमारे अंदर दैवी चेतना थी, सो रही थी, परंतु अभी गुरु ने जगा दिया, अब हमारे अंदर दैवी चेतना जागृत हो चुकी है। तो गुरु के कृपा के बिना ये संभव नहीं है। ये एक तथ्य हो गया। तीसरा पॉइंट, मतलब जो भी नंबर हो और जो हम प्रभुपाद के परपोट से शिक्षा ले रहे हैं अभी, वो है 33वां नंबर श्लोक के परपोट से। कह रहे हैं इसमें प्रभुपाद, जो मैंने आपको पहले वाले परपोट में बताया था, पहले वाले एक्सप्लेनेशन में, भगवान परमात्मा रूप में जीव को भौतिक सुख प्राप्त करने में सहायक बनते हैं, क्योंकि जीव कोई भी भौतिक सुख प्राप्त करने में पूर्णतया अक्षम है। ये दुनिया में जो भौतिक चीज़ें हैं जिसको हम एंजॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको भोगने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम नहीं भोग सकते हैं,
भगवान की कृपा के बिना वो भी भोगने लायक हम नहीं हैं। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, वह केवल इच्छा करने वाला है, भगवान उस इच्छा को पूरी करते हैं। यदि हमको कोई भोग विलास करने की इच्छा है तो भगवान सुविधा दे करके हमारी इच्छा पूर्ण कराते हैं, क्योंकि भोग विलास की जो चीज़ें हैं दुनिया में वो सब भी तो भगवान की हैं। तो भगवान की चीज़ों को भोग करने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है, लेकिन हम इच्छा करते हैं कि हम भोगे भोगे भोगे, तो भगवान हमें भोगने की शक्ति देते हैं और हम भोग पाते हैं। जैसे मैं आपको एक इससे रिलेटेड छोटा सा एग्जांपल समझाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची होती है जो अपने मम्मी को कहती है कि तुम जो कुकिंग कर रही हो गैस के ऊपर, तुम जो लंच बनाओगी वो मुझे नहीं खाना है, आज मुझे खुद लंच बनाना है, ऐसा वो ज़िद करती है। तो प्रभुपाद ही बताते हैं, ये कहीं और बताए हैं। तो माता तो जानती है कि इससे तो बनेगा नहीं, संभव नहीं है। तो फिर माता क्या करती है, उसको अब ज़िद कर रही है बच्ची, तो माता उसको छोटा सा चूल्हा, छोटा सा बर्तन, चकला, बेलन, तवा, कुकर, छोटा 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 सब चीज़ खरीद कर देती है और बोलती है ठीक है बनाओ। तो वो बच्ची जाती है, जैसे जैसे मम्मी को देखा था उसने वैसे वैसे सब कुछ बनाने की कोशिश करती है, एक घंटा दो घंटा बहुत कोशिश करती है, पर रिजल्ट क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है, कुछ बनता नहीं है, भूखी भूखी रह जाती है, कुछ बना नहीं पाती है, क्योंकि वो उसको बनाने भी नहीं आता है और बर्तन सब छोटे छोटे हैं, खिलौना है वो, और बनाने भी नहीं आता है। तो बाद में फिर वो थक जाती है, फिर मम्मी उसको बना हुआ भोजन देती है, फिर वो खाती है। तो इस प्रकार ही हम इस दुनिया में आते हैं क्योंकि हम भोग करना चाहते थे। भगवान बोलते हैं ठीक है कोशिश कर लो, हम बहुत कोशिश करते हैं। दुनिया के किसी चीज़ को भोगने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है, चाहे भौतिक चाहे आध्यात्मिक। तो भगवान हमको मदद करते हैं, ठीक है ट्राई करो। जैसे माता ने बर्तन दिए, सब कुछ दिए, चूल्हा सब कुछ दिया, अनाज दिया, वैसे भगवान बोलते हैं तुमको आँख देंगे, कान देंगे, नाक देंगे, शरीर देंगे, तुम भोगो। फिर भी हम भोग नहीं सकते हैं, नहीं संभव है हमसे भोगना। तो हर चीज़ के लिए भगवान मदद करते हैं, भोग करने में भी मदद करते हैं। हम अपने शरीर के किसी अंग को हिला नहीं सकते हैं भगवान की मर्जी के बिना, तो भगवान मदद करते हैं। तो ये वाला हो गया। अगला है जो लास्ट श्लोक है 34वां नंबर उसके परपोट में, सारे जीव जिस सुख के पीछे दीवाने रहते हैं वह असंख्य ब्रह्मांडों और भौतिक लोकों में कहीं भी प्राप्य नहीं है। जीव जिस शाश्वत सुख की कामना करता है वह केवल भगवान के धाम में उपलब्ध है, किंतु विस्मरणशील जीव प्रकृति के गुणों के वश में आकर भगवान के धाम के विषय में कुछ भी नहीं जानता। अतः भगवान अपने धाम का संदेश प्रसारित करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं या ईश पुत्र के रूप में अपना प्रामाणिक प्रतिनिधि बनकर आते हैं। तो जीव जो है वो सुखी बनना चाह रहा है, कोशिश कर रहा है हमको सुख प्राप्त हो जाए इस दुनिया में, परंतु इस दुनिया में वो सुख तो मिलेगा नहीं जो सुख हम चाह रहे हैं। तो वो सुख तो भगवत धाम में है, आध्यात्मिक जगत में है, और आध्यात्मिक जगत के बारे में हम पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो इसलिए भगवान आते हैं स्वयं अलग अलग अवतारों को लेकर, और प्रचारक के रूप में भी भगवान आते हैं, बड़े बड़े आचार्यों के रूप में हमको शिक्षा देने के लिए। तो इस प्रकार आपका दूसरा अध्याय समाप्त, तीसरा अध्याय अब हम शुरू करेंगे। समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। सूत गोस्वामी स्टार्ट करते हैं। सूत उवाच, जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदिभि संभूतम षोडश कलम आदौ लोक शिश्रिक्षया। जगृहे स्वीकार किया, पौरुषम पुरुष अवतार रूप में पूर्णांश, रूपम रूप भगवान महत आदि भी
भौतिक जगत के अवयवों सहित संभूतम इस तरह उत्पन्न षोडश कलम 16 मुख्य सिद्धांत आदौ प्रारंभ में लोक ब्रह्मांड शिशिरक्षया उत्पन्न करने के विचार से। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था, श्रील प्रभुपाद की जय। शौनक आदि ऋषियों ने पूछा था सूत गोस्वामी से कि भगवान के विभिन्न अवतारों के बारे में भी हमें बताइए। तो ये जो अध्याय है इसमें ये बताया जा रहा है कि अवतार तो बहुत हैं पर सारे अवतार भगवान कृष्ण से ही निकले हैं, इसीलिए अध्याय का नाम है समस्त अवतारों के उत्स कृष्ण। उत्स यानी सोर्स, जहां से सारे अवतार निकले हैं। सूत गोस्वामी कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृष्टि के लिए सारे अवयव प्रकट किए। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक सृष्टि के 16 तत्व उत्पन्न हुए। भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ये सब किया। तो श्रीमद् भागवतम में, जैसा कि मैंने कल भी बताया था, श्रीमद् भागवतम में सृष्टि के रूप में बहुत विस्तार से ज्ञान नहीं है, शॉर्ट में है। ज्ञान है पर शॉर्ट में है। तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि भगवान सबसे पहले विराट रूप में अपने आप को विस्तारित करते हैं और उसके बाद 16 तत्वों को प्रकट करते हैं। किसके बाद कौन सा तत्व, ये इतना लंबा चौड़ा डिटेल वर्णन नहीं है। तो इतना जितना वर्णन है उतना ही हम समझेंगे। तो ये सारे चीज़ भगवान ने किसके लिए किया, भौतिक सृष्टि के लिए, आध्यात्मिक जगत नहीं, भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए भगवान ने अपने आप को विराट रूप में, विराट पुरुष के रूप में अवतरित किया। विराट पुरुष भी भगवान का एक अवतार है। और अवयव 16 तत्व उत्पन्न किए। अब ये सब कौन कौन तत्व है, ये सब का वर्णन आगे के श्लोक में आएगा। यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्राम वितन्वतः नाभि हृद अंबुजात आसीत ब्रह्मा विश्व सृजाम्पति। यस्य, जिसके अंभसि जल में शयानस्य लेटे हुए योग निद्राम ध्यान में सोए हुए वितन्वतः विस्तार करते हुए नाभि रूपी हृदय सरोवर के अंबुजात कमल से आसीत प्रकट हुआ ब्रह्मा जीवों के पितामह विश्व ब्रह्मांड का सृजाम शिल्पी पति स्वामी। पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटता है, उसके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल फूटता है और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त शिल्पियों के स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि भगवान यहाँ पे सूत गोस्वामी बहुत शॉर्टकट में वर्णन कर रहे हैं सृष्टि का। सृष्टि इतना शॉर्ट नहीं होता है, जैसा कि पहले वाले श्लोक में बताया कि भगवान 16 तत्व को उत्पन्न किए और भगवान विराट रूप में अपने आप को अवतरित किए। अभी विराट रूप से सीधे आ गए कहाँ कि गर्भोदक्षाई विष्णु का, ये जो ब्रह्मांड के भीतर लेटे हुए, यानी ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ नहीं बताया भगवान ने, सॉरी सूत गोस्वामी ने। ब्रह्मांड के भीतर गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं, यहाँ पे चले आए, पूरा बीच का गायब हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे वर्णन। यदि मुझे बताना है तो मुझे एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा आपको, तो देखती हूँ कैसे बताती हूँ। तो यहाँ पे सीधे क्या हो गया कि ब्रह्मांड के अंदर, तो ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु नहीं लेटते हैं, ये जो विराट रूप है ना ये महाविष्णु को कहा जाता है। विराट रूप का पहले भगवान कृष्ण से विराट रूप प्रकट हुए, और विराट रूप भी है ना वो सीधा नहीं प्रकट होते हैं,
बहुत सारे विस्तारों के बाद विराट रूप आते हैं। तो यहाँ पे दूसरा जो रूप है जिसका वर्णन है वो सीधे है गर्भोदक्षाय विष्णु। गर्भोदक्षाय विष्णु कहाँ से निकले ये वर्णन नहीं है। गर्भोदक्षाय विष्णु जल के भीतर लेटे हुए हैं, तो बहुत शॉर्ट में वर्णन है। ब्रह्म संहिता में वर्णन है, चेतन चरितामृत में भी इससे डिटेल का वर्णन है। तो यहाँ हम जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है, फिर बताऊंगी मैं। तो पुरुष का एक भाग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटा है और उसके शरीर के नाभि सरोवर से कमल नाल फूटता है। तो कमल किसके नाभि सरोवर से फूटता है? गर्भोदक्षाय विष्णु। और उस नाल के ऊपर कमल पुष्प है और कमल पुष्प के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, इतना वर्णन है यहाँ पे। तो ब्रह्मा जी का जन्म हो गया। यस्य अवयव संस्थाने संस्थानः कल्पितः लोक विस्तरः तत् वै भगवतः रूपं विशुद्धं सत्वं ऊर्जितम्। यस्य जिसका अवयव शारीरिक विस्तार संस्थानः स्थित कल्पितः कल्पना किया गया लोक निवासियों के लोक विस्तरः विभिन्न तत्व लेकिन वह है भगवतः भगवान का रूपम रूप विशुद्धम शुद्ध सत्वम अस्तित्व ऊर्जितम सर्वश्रेष्ठ। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं रहता। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है जिसकी कोई तुलना नहीं है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के लोक यानी ये जो तीन लोक हैं ब्रह्मांड में, तीन लोक हैं, ऊर्ध्वलोक मध्यलोक अधोलोक, 14 भुवन है। तो समस्त ब्रह्मांड के लोक पुरुष के विराट शरीर में स्थित है, पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सृष्ट भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। तो भगवान के शरीर से सब कुछ निकला है, इस दुनिया की सारी चीजें भगवान के शरीर से निकली हैं, परंतु भगवान के शरीर में जब वो थीं तो भौतिक नहीं थीं। ऐसा नहीं है कि भगवान के शरीर के अंदर भौतिक तत्व था और वो प्रकट हो गया। भगवान के शरीर में पूर्ण रूप से सब कुछ आध्यात्मिक है, यहाँ यही बता रहे हैं। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्व में है जिसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान का शरीर आध्यात्मिक है, उसकी कोई तुलना नहीं है। भगवान का शरीर कभी भी भौतिक नहीं था, परंतु भगवान के शरीर से सारी दुनिया प्रकट हुई है, भौतिक भी और आध्यात्मिक भी। अब कैसे क्या, इसके लिए अलग शास्त्र लगेंगे, ये शास्त्र में नहीं है वर्णन। श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही शॉर्ट में वर्णन है, शॉर्ट में। तो हम इसी ग्रंथ को लेके पकड़ के चलते हैं। मैं परपोर्ट पढ़ करके आपको जैसे समझा रही हूँ अभी तक, वैसे आपको थोड़ा थोड़ा समझाऊंगी। तो अभी हम ये जो श्लोका है यहीं पे रोकेंगे। और आप लोगों को मैं प्रश्न पूछने के लिए मौका दे रही हूँ।